हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी को स्वागत करते हैं। टुडे इज मदर्स डे, दैट्स व्हाई दिस रेसिपी इज डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ यूनिवर्स। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट का ज़रूरत होता है। कोकोनट विथ शुगर, खीर, चना दाल विथ मैदा, सिरप। पहले पैन को गर्म कीजिए, उसमें कोकोनट विथ शुगर जो है उसको दे दीजिए, ऐड कीजिए। उसके बाद खीर को ऐड कीजिए। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ये पूर बन रहा है। इसके बाद बड़ा डो से ऐसे छोटा छोटा डो कर लीजिए, उसके बाद ऐसे कटोरे टाइप शेप दे दीजिए हाथ से। अंदर में पूर को दे दीजिएगा, उसके बाद ऐसे पुली का शेप दे दीजिए, उसके बाद ऐसे करके बनवा लीजिए। पुली ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अभी पैन में ऑयल को गर्म कीजिए, उसके बाद इस पुली को फ्राई करना पड़ेगा। एक एक करके पुली को ऑयल में डाल दीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई कीजिए, बोथ साइड फ्राई होगा। खीर को हम घर में ही बनाएं दूध से, और सिरप को बनवाने के लिए आपको एक कप चीनी के साथ दो कप पानी देना पड़ेगा। इस रेशियो से बनवाइएगा, आपका जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी का हिसाब से बनवाइएगा सिरप को। देखिए फ्राई के बाद हम सिरप में डाल दिए। अच्छी तरह से बोथ साइड आपको फ्राई करना पड़ेगा। देखिए फ्राई हो चुका है, अभी इसको हम सिरप में डालेंगे। ऐसे ही आपको 6 से 7 घंटे ऐसे ही सिरप में भिगो के रखना है, उसके बाद आप खा सकेंगे।
हमारा वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए रेडी हो चुका है दाल पुली। फिर मिलेंगे नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।